आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बहावलपुर में एक्साइज की जानिब से टैक्स छूट पर डिफॉल्टर गाड़ियां भी टैक्स अदा करने लगीं। एक्साइज ने एक माह के दौरान 6,812 गाड़ियों से टैक्स वसूल करके रिपेट भी दे दिया है। महकमा एक्साइज ने रीजन भर से 1,55,41,179 रुपए टैक्स इकट्ठा किया, जबकि टैक्स अदा करने वाली गाड़ियों में 10 साल पुराने डिफॉल्टर गाड़ियां भी शामिल हैं। बात करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से, तैयब बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानिब से कोरोना के बाद गाड़ियों की रिकवरी को बेहतर करने के लिए एक ऑफर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जिसके तहत वो तमाम गाड़ियां जो कि डिफॉल्टर हैं अपना टैक्स अदा करें और उनके ऊपर 20% तक रिबेट हासिल कर सकें। लेकिन ये रिबेट हासिल होगा उनको उस वक्त जब वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और अपना टैक्स जो है वो अदा करेंगे। इस वाले से अगर हम बात करते हैं भावलपुर की, तो भावलपुर में कुल 6,812 जो लग्जरी गाड़ियां हैं जिन्होंने अपना शॉर्ट टोकन टैक्स जो है वो अदा किया है, और इसमें खास तौर पर वो गाड़ियां भी शामिल हैं जो कि 10-10 साल से डिफॉल्टर थी और बकायदा तौर पे अब उन्होंने अपना जो टैक्स है वो अदा कर दिया। जिसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्साइज भावलपुर की, तो एक्साइज भावलपुर को 1,55,41,189 रुपए का टैक्स जो है वो इकट्ठा हुआ है। जबकि इसके साथ बात करते हैं रहीमयार खान सर्कल की, तो रहीमयार खान में 1,587 गाड़ियों के ऊपर महकमा एक्साइज को 35,53,000 रुपए का टैक्स जो है वो इकट्ठा हो सका है। जबकि इसके साथ ही भावलपुर में 3,378 गाड़ियों के ऊपर 79 लाख रुपए का जो इससे ज्यादा का जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा हो सका है। अगर हम बात करते हैं भावलनगर की, तो भावलनगर में बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आपने अपडेट किया इस हवाले से।